हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपसे मिलने का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर 1 है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको, सबसे ज्यादा शोर आज ही मचाना होता है। कब? लेक्चर 1 में सबसे ज्यादा शोर मचाइए। देखते हो अमन ठाकुर मुझे सबसे अच्छे यहाँ पे हार्ट से हार्ट भेजे जा रहे हैं, थैंक यू सो मच अमन ठाकुर। डॉक्टर जय, हेलो श्याम पटेल, ओके डॉक्टर जय शर्मा, पल्लव, अमन एंड सत्यम, राज, करण, हीरो, अनुराग, आफरीन, तुषार, चैन सिंह, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू डूइंग गाइस? आप फिट एंड फाइन है कि नहीं मुझे बताइए। और आज हम मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप कहोगे सर इसी चैप्टर को क्यों चुना आपने? आई हैव अ रीजन फॉर दैट। जो हमने अभी पढ़ा है ना यार, क्या पढ़ा है? एस ब्लॉक, उसके काफी सारे रिएक्शंस डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाएंगे यहां पे। आज उनमें से एक दो रिएक्शन इस्तेमाल करके भी दिखा दूंगा। सो एस ब्लॉक के रिएक्शंस जो आपने पढ़े ना, वो सारे रिएक्शंस आज हम यूज करने वाले हैं इसी मेटलर्जी चैप्टर में। और एक और बात बता दूं, इससे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आ ही जाता है एक आध साल गैप करके आपके साथ, हो सकता है। तो मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन तो श्योर मान लो, इनऑर्गेनिक के 10 में से एक तो मेटलर्जी से श्योर मान लो आएगा, तो श्योर एंड शॉर्ट सही हो जाएगा। सो आई कैन सी हर्ष कटियार, करण, हीरो, श्योर 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 मचाओ जल्दी यार, ऐसे कैसे चालू कर रहे हो? चलो मेटलर्जी कंप्लीट थ्योरी एंड क्वेश्चन, अगर आपके उसके रिएक्शन थोड़े बहुत दिमाग में नहीं भी है, यहां से वो भी रिएक्शन रिकॉल हो जाएगा, वो भी रिएक्शन वापस दिखाऊंगा, ठीक है? चैन सिंह, रिदा खान, तुषार, सुभाष, करण, हीरो, किशन राज, जगरवाल, सत्यम पटेल, ऋतिक कुमार, थैंक यू सो मच, तुषार वर्मा, डॉक्टर जे, मोहम्मद दानिश, हर्ष एंड सेल्वी, स्टार्ट दिस चैप्टर? नो 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 नो, पहले आप शोर मचाओ फिर स्टार्ट करूंगा, ऐसे नहीं स्टार्ट कर रहा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय शोर मचाओ? ये जो शेयर बटन है ना नीचे, देखो देखो नीचे दिख रहा है, इसका इस्तेमाल तो करो यार, बटन का सही इस्तेमाल करो और इसको लोगों तक पहुंचाओ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनता तक पहुंचाइए। चलिए, सो क्लास 11th का चैप्टर है ये, मेटलर्जी बहुत आसान है। और एक और बात आपको बता दूं, रटाऊंगा नहीं, बहुत कम ऐसे चीजें हैं जिसको आपको रटना पड़ेगा, रटाना नहीं है मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, आपको समझाऊंगा। सो शैल वी स्टार्ट विद दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट? चलो आफरीन, राजेंद्र, विश्नोई, स्टार्ट करें आज का। टेलीग्राम में आ गए आप सब? हैव यू कम हेयर? टेलीग्राम के अंदर जेई में, नीट में, कैरियर पॉइंट फाउंडेशन में अपने भाई बहनों को जोड़ो इसमें, चलिए आइए। थैंक यू सो मच मोहम्मद दानिश। आइए, मेटलर्जी है क्या यार? जो भी माइनिंग ब्रांच आगे जाके लेने वाले हैं ना, उनके लिए ये चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर हो जाता है यहां से, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन श्योर हो जाता है। और अगेन मैं बता दूं, 4 नंबर फिर से पक्के हो जाते हैं। लेट्स सी मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। सब समझाऊंगा, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा इसमें, लेकिन पहले डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। देखो, ओर जो होता है धरती के नीचे डिग करके, आपको याद होगा जेसीबी की खुदाई, कितने लोगों को यह बात पता है? आओ, जेसीबी की खुदाई क्यों करते हैं? क्योंकि धरती के नीचे से मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है यार। आयरन एक मेटल है, आयरन नहीं होगा, लोहे का सरिया नहीं होगा तो इतनी बिल्डिंग बनेगी नहीं। सो लोहा के लिए हमें लोहे की ओर में जाना पड़ेगा, ओर से मेटल मिलता है, और जेसीबी की खुदाई का इस्तेमाल करके हम ओर से मेटल निकालते हैं, और ओर से मेटल निकालने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? मेटलर्जी, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर। मेटल को ओर से निकालना इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब आपको दो चीजें यहां पे समझ नहीं आई होगी, सर यहां पे मेटल्स, यहां पे लिखा हुआ है ओर्स, और यहां पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन, ये 3 बड़े बड़े वर्ड है, इसको समझाओ। सो लिसन, एक एक करके समझते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्शन का मतलब डिग आउट, जेसीबी खुदाई करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। अब आओ सुचेता मेहराना, अंकित कुमार, देखो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। एक्सट्रैक्शन का मतलब हो गया खुदाई करके निकालना, किसको निकालना? मेटल को। मेटल आप सब, अभी हम एस ब्लॉक के अंदर 2 पूरे ग्रुप पढ़ के आए हैं, पूरे मेटल्स, जैसा सोडियम मेटल है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो मेटल को जमीन के अंदर से निकालना, जमीन के अंदर क्या होता है, ओर्स प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर खुदाई करके मेटल निकालना इज मेटलर्जी। अब व्हाट इज ओर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज ओर? तो देखो ओर क्या होता है, ओर इज नथिंग, ओर एक ऐसा मिनरल है, ओर एक ऐसा मिनरल है जिसमें एक मेटल का हाई परसेंटेज होता है। अब ना ही एनसीईआरटी में ना ही अदर बुक्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कितना हाई परसेंटेज होता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कितना हाई है, लेकिन सब जगह यह बात लिखी हुई है कि ओर एक ऐसा मिनरल है, ओर एक ऐसा मिनरल है जिसमें मेटल का परसेंटेज हाई होता है। अब आप कहोगे सर मिनरल क्या है, तो ओर को अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मिनरल समझते हैं। सो मिनरल समझने के बाद आपको यह चीज और अच्छे से समझ आएगी। देखो मिनरल का मतलब ऐसा कंपाउंड जो धरती के नीचे पाया जाता है। मिनरल समझ में आई कि नहीं? ऐसा वस्तु, ऐसा चीज, ऐसी कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एलिमेंट जो धरती के नीचे पाया जाए उसको मिनरल कहते हैं। और धरती के नीचे हर चीज जो धरती के नीचे है वो मिनरल नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत अगर मेटल है तो वो मिनरल कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने जेसीबी की खुदाई करी और मुझे बहुत सारी चीजें मिल गई, बहुत सारी चीजों को मैंने कलेक्ट किया, जिस जिस चीज में मेटल होगा ना वो सारी मिनरल कही जाएगी। धरती के नीचे वो हर एक चीज जिसमें मेटल होगा उसको मिनरल कहेंगे। लर्निंग विद फन, रीता जैन, मिस्टर टेक, मिनरल एक ऐसे कंपाउंड है जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, धरती से नीचे पाए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज मेटल का होना चाहिए। अब मान लीजिए धरती के नीचे डीजल पेट्रोल होता है, सबको पता है धरती के नीचे डीजल पेट्रोल होता है, लेकिन डीजल पेट्रोल में मेटल नहीं होता तो उसको नहीं बोलेंगे मिनरल। देखो आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। कार्बन जो है वो भी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, डीजल पेट्रोल जो है वो भी धरती के नीचे पाया जाता है, लेकिन उसमें मेटल नहीं होता। समझ में आई? हर एक चीज जो धरती के नीचे है जिसमें थोड़ा बहुत भी मेटल मिल जाए उसको मिनरल कह देंगे। अब समझ में आया? हर्ष नंदन, अरुण गुप्ता, चैन सिंह, अमन ठाकुर, उमेश, हर वो चीज जो अर्थ क्रस्ट में है मिनरल नहीं है, लेकिन वैसी चीज जो धरती के नीचे है और उसमें थोड़ा बहुत भी मेटल मिल जाए तो भाई साहब अपना काम हो गया, अपन मिनरल बोल देंगे। ठीक है, देखो मैंने दिखाने की भी कोशिश की है, जेसीबी की खुदाई चल रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो तारा रा, क्या बात है जगरवाल। देखो कार्बन नॉट ए मिनरल, वाई? कार्बन के अंदर मेटल कहां है? कार्बन नॉन मेटल होता है यार। डीजल पेट्रोल नॉन मेटालिक थिंग्स हैं, इसके अंदर मेटल नहीं है, तो मिनरल के लिए मेटल का होना जरूरी है। यह बात समझ में आई कि नहीं? फॉर अ सब्सटेंस टू बी मिनरल इट मस्ट कंटेन मेटल। यह बात समझ में आई कि नहीं? और यही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मिनरल के लिए मेटल का होना जरूरी है कि नहीं, इसको इंग्लिश में पूछा जाएगा ऑब्वियसली। यार ये बात समझ में आती जा रही है तो बोलते जाइए, हां बोलते जाइए। चलिए देखो, मिनरल की कोई भी सब्सटेंस को मिनरल कब बोलोगे? पहला कंडीशन की धरती के नीचे पाया जाना चाहिए, दूसरा कंडीशन की भाई साहब उसके अंदर थोड़ा बहुत मेटल तो होना ही चाहिए, 0.1 0.2 भी होगा चलेगा, मेटल है तो मिनरल है। समझ में आए कि नहीं? लर्निंग विद फन, ओके आप बहुत अच्छा। अमन ठाकुर, ओके बहुत अच्छा। अब आइए दूसरा स्टेटमेंट, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सो मिनरल बात समझ में आ गई तो ठोको ताली, अभी के भी तालियां बजा दो और चलो स्टार्ट करते हैं। मिनरल समझ में आ गया, अब आते हैं ओर पे। मिनरल, वैसा मिनरल ओर, उस मिनरल को कहते हैं जिसमें हाई परसेंटेज हो मेटल का। मैंने क्या बोला? मिनरल वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी मेटल हो उसको मिनरल बोल देंगे, लेकिन वैसा मिनरल जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ मेटल जो हो वो बहुत ही हाई हो उसको ओर कहते हैं। ना ही एनसीईआरटी में ना ही किसी भी रेफरेंस बुक में ये हाई परसेंटेज 90 है कि 80 है कि 70 है कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन भाई साहब हाई परसेंटेज हर जगह लिखा हुआ है। ओर एक मिनरल है जिसमें मेटल का हाई परसेंटेज हो, थोड़ा बहुत होगा तो उसको मिनरल बोलेंगे, लेकिन अगर मेटल का परसेंटेज हाई हो गया तो ओर बोल देंगे। खत्म कहानी कि नहीं कहानी? मिस्टर टेक ब्रदर, ये 11th का टॉपिक है। चलिए आइए, अब मैं आपको बताऊं ओर्स जो होते हैं, ओर्स
ऐसे मिनरल हैं जिसमें मेटल का परसेंटेज हाई है, और अगर मेटल का परसेंटेज लो हुआ तो उसको मिनरल बोलेंगे, मेटल का परसेंटेज हाई हुआ तो उसको ओर बोल देंगे। अब अगेन एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां से निकल के आता है, आप सब लोग ध्यान देना, एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। ये देखो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स एंड ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ये स्टेटमेंट में घुमा देता है आपको। अब मैंने बोला ओर क्या है, ओर एक ऐसा मिनरल है जिसमें मेटल का परसेंटेज हाई है, हाई परसेंटेज का मेटल हो उसी को ओर कहेंगे। ये बात से इत्तेफाक रखते हो, ये बात से इत्तेफाक रखते हो कि नहीं? चलिए, अरुण गुप्ता, विनीता, भरत कोठवानी यहां पे मुझे बताएंगे, ओर मैंने बोला ऐसा मिनरल जिसमें मेटल का परसेंटेज हाई हो। अब मुझे बताओ अगर मेटल का परसेंटेज लो हो तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल मिनरल। यार अगर मेटल का परसेंटेज लो परसेंटेज ऑफ मेटल है तो क्या बोलेंगे? इट इज सिंपली कॉल्ड मिनरल। बट अगर मेटल का परसेंटेज हाई हो गया इट विल बी कॉल्ड एज ओर। सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ये बात सही है कि नहीं? इसी मिनरल में अगर हाई परसेंटेज हो जाए मेटल का तो भी तो ओर बोलते हैं, तो ओर होने के लिए मेटल मिनरल तो होना पड़ेगा, ठीक कि नहीं? ठीक। नेहा कुमारी, विनीता, मिस्टर टेक, रीति कुमार, अमन ठाकुर, मिस्टर टेक ब्रदर, पी ब्लॉक इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा क्योंकि इसमें एस ब्लॉक के रिएक्शंस यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको पढ़ाना जरूरी समझा। समझ में आए ये वाले दो क्वेश्चन? कर लोगे कि नहीं? कितने लो कितने हाई नहीं लिखा गया है, उसी लिए एक टर्म बहुत इस्तेमाल है आया है। देखिए, देखिएगा मैं बताऊंगा आपको। देखो, इतना हाई परसेंटेज हो ताकि मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। बहुत ही एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक ने बहुत अच्छे से चालाकी करी है, किसी ने परसेंटेज डिफाइन नहीं किया। आपसे एग्जामिनेशन में भी परसेंटेज नहीं पूछेगा कितना हाई परसेंट कितना लो परसेंट, पता क्या पूछेगा कि हाई परसेंटेज उतना होना चाहिए ताकि मेटल जो है इस ओर से इकोनॉमिकली निकाल सके, मतलब मेटल निकाल के बाजार में बेचे तो प्रॉफिट हो, इतना परसेंटेज ऑफ मेटल होना चाहिए। फिर से हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होगा तो ओर बोल देंगे, कितना हाई, इतना तो होना चाहिए ताकि जब हम इसमें से मेटल निकालें, इंडस्ट्री में ले जाएं, इंडस्ट्री में से मेटल निकालें और मेटल निकाल के जब बाजार में बेचे तो वो इकोनॉमिकल हो, मतलब प्रॉफिटेबल हो, ठीक है? चलिए अनिल गौतम, पी ब्लॉक इसके बाद शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए, मिनरल आपको समझ में आ गया, ओर हो गया, दो तीन डेफिनेशन आप थोड़ा सा मेरे साथ सीख लीजिएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मेटलर्जी सब समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, बहुत अच्छा, जरूर करेंगे हर्ष, जरूर करेंगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन क्लियर है। अब दो डेफिनेशन जो है, अच्छा इस डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, बताया आपका, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, एक एक लाइन पे क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। लेकिन आप तो वीटी सर वाले हो, आप तो एग्जामिनर को चकमा दो। देखो जहर कैसे दिया जाता है, गैंग पार्टिकल। अच्छा एक बात बताओ, गैंग बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? एकदम दिमाग में अभी प्रिंट हो जाएगा, देखना, गैंग पार्टिकल, गैंग बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? इट्स ऑब्वियसली अ रॉन्ग थिंग, बुरी बात है। आइए आपको सामने ले आके आता हूं, अर्थली इंप्यूरिटी, इंप्यूरिटी गंदी चीजें, इंप्यूरिटी का मतलब गंदी चीजें, अर्थली इंप्यूरिटी जो और मिनरल के साथ प्रेजेंट होती है। फिर से समझाऊंगा, देखो भाई साहब, मैंने क्या बोला, मिनरल कहां होते हैं? अर्थ क्रस्ट में, और भी मिनरल होता है, दैट मींस सारे के सारे चीजें जो हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे वो धरती से मेटल निकालने के लिए पढ़ेंगे। अब जब धरती के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसमें धूल मिट्टी तो लगा ही होगा, इंप्योरिटी तो लगी होगी, तो ओर के साथ जो धूल मिट्टी होता है, अर्थली धूल मिट्टी, अर्थली इंप्योरिटीज जो होते हैं, इसी को गैंग कहते हैं। अब गैंग क्या होता है? नेगेटिव चीज है, अच्छी बात नहीं है, दैट मींस कि भाई साहब इंप्यूरिटी की बात हो रही है, जो भी इंप्यूरिटी धरती के नीचे कोई चीज है तो उसमें धूल मिट्टी लगा होगा, उसी धूल मिट्टी को गैंग पार्टिकल कहते हैं। यह बात अरुण गुप्ता को समझ में आई, मांडवी गुप्ता को समझ में आई कि नहीं? मोनिका जांगिड को यह बात समझ में आ रही कि नहीं? सत्यजीत, थैंक यू सो मच गाइज, दोस्ती कर ली क्या सब लोगों ने? आई एम एमिंग फॉर 200 लाइक्स इन दिस सेशन, कैन यू गाइज डू इट? 200 likes only in this session. Can you guys do it? Harsh Katiyar, बहुत अच्छा, अमन ठाकुर, चलिए आई।
अब इसको क्या बोलते हैं, नेटिव ओर और नजेट्स। आपने चिकन नजेट्स खाए हैं क्या कभी? तो अब ऐसे नवरात्रि चल रही है, I'm sorry to say, बट कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा ये चिकन नजेट्स, सब शायद आने मुझे पता है। आओ नेटिव ओर और नजेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? भूपेन्द्र सिंह राणा, केशव, अमन, आयुष, आइए। नेटिव ओर का मतलब लंप, लंप का मतलब एक ढेर, लंप ऑफ प्योर मेटल आर कॉल्ड नजेट्स। बहुत ही सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, और मैं बताऊं आपको खूबसूरती यह है कि इस लाइन पे क्वेश्चन में जाता है। क्या ये गैंग पार्टिकल निगेटिव चीज, और निगेटिव क्या, इंप्यूरिटी, गंदगी, इंप्यूरिटी, लंप ऑफ प्योर। अब इंप्योर हो गया तो प्योर की बात कर ले, लंप ऑफ प्योर मेटल इज कॉल्ड नजेट्स। चिकन नजेट्स कितने खाया है, कितने लोगों ने खाया है? मेटल एनर्जी आयुष 3-4 में खत्म हो जाएगा, एंड आई कैन अश्योर यू कि 3-4 में आपके चार, 3-4 लेक्चर के अंदर 3-4 घंटे आप दे दो मुझे, एक एक घंटे का लेक्चर, एंड 4 नंबर श्योर हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि हर साल इन ही लेक्चर से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली मैं दिखा सकता हूं। चलिए बहुत अच्छा ऋतिक, आइए टाइप्स ऑफ ओर एंड देयर फॉर्मूला। अब हमने ओर पढ़ लिया, अब मुझे आप बताइए ओर क्या होता है, नेटिव ओर। अच्छा, गैंग और नेटिव ये दो एक दूसरे के अपोजिट हैं। गैंग क्या है, अच्छी बात नहीं है, इंप्योरिटी है, तो उसके सामने वाला क्या होगा, पॉजिटिव, दैट मींस प्योर। एक इंप्योर है तो दूसरा प्योर है, ठीक है भाई साहब? चलिए आइए, आसिम राजा वो भी जरूर करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए इसको पहले मुझे बताइए ओर किसको कहते हैं। ओर एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होता है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो तालियां बजती रहनी चाहिए गाइस। अरुण गुप्ता, करण हीरो, विशाल मौर्या, पंकज एंड अमन ठाकुर, बहुत अच्छा। सो आपके जो सिलेबस में है जहां से क्वेश्चन आएगा वो आपके 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ओर्स पढ़ने हैं, दैट्स इट। अब एग्जामिनर पता है क्या करता है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी सल्फाइड और एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आपको टिप्स में होना चाहिए। याद कराना मेरा काम है, रटना नहीं है, याद कराना मेरा काम है। आइए, ऑक्साइड ओर के सारे ऑक्साइड ओर जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद कराना मेरा काम है। कार्बोनेट ओर के साथ सेम सीन है, हैलाइड ओर के साथ सेम सीन है, याद कराना मेरा काम है। चलिए, मोनिका जंगेड़, अनिल गुप्ता, अनिल गौतम, रिदा खान, तेजाराम पटेल, हर्ष कटियार, कामिल सिंह, संदीप राव, शिवकुमार वर्मा, यार ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स आपको पढ़ने हैं। ओके लियोना स्टार, बहुत अच्छा। सो नाउ आई विल टेल यू एक एक करके जो एनसीईआरटी में दी हुई है, अब मैं उसको आपको दिमाग में प्रिंट कराने जा रहा हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो बोलिए हां। देखो ओर्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल का परसेंटेज हाई है, अगर कोई कह दे कि मेटल का परसेंटेज लो है तो इट इज सिंपली मिनरल यार, इट इज सिंपली मिनरल। फिर पूछे मेटल का परसेंटेज हाई का मतलब क्या, कितना हाई, इतना हाई मेटल परसेंटेज होना चाहिए ताकि उससे जब हम मेटल निकालें और बाजार में बेचें तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेटल निकालने में घाटा ही हो रहा है, इकोनॉमिकल होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो, ठीक कि नहीं ठीक डॉक्टर जय शर्मा? ओके, अब आइए हम सबसे पहले मेटल ओर आपके दिमाग में प्रिंट कराने जा रहे हैं, ठीक है? आइए देखो, ये सल्फाइड ओर आपके दिमाग में प्रिंट होगा। सो सल्फाइड ओर जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है, और मैं आपको बताऊं क्या, हर लोग को पहली बार में लगता है ये तो मुझे याद हो गया, लेकिन होता नहीं है, इसलिए अब जो मैं आपको न्यूमेनिक और ट्रिक बता रहा हूं वीटी सर्किटरी हमेशा काम आएगी, देखना। आओ अब मैं बता रहा हूं, सबसे पहले एक एक बार पढ़ के बता दूं, सल्फाइड ओर इसका दूसरा नाम होता है पाइराइट ओर, सल्फाइड ओर का दूसरा नाम क्या होता है, पाइराइट ओर, ठीक कि नहीं ठीक? चार्मी मोदी, वेरी गुड, एम्पायल, अमन ठाकुर, विकास, कामेंद्र, नितेश, समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम दिमाग में रखने जा रहे हैं सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओर का दूसरा नाम क्या है, पाइराइट ओर, पाइराइट, PYRIT। अब देखना, अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन पाइराइट है FeS2, आयरन पाइराइट इज FeS2, कॉपर पाइराइट इज, इसी के आगे Cu लगा दिया तो CuFeSt इज कॉपर पाइराइट। सबसे पहले आयरन, सबसे पहले इतना बताओ कि सल्फाइड ओर में सल्फर तो होगा, सल्फाइड ओर में उस मेटल का सल्फाइड बनाना है, जैसे मान लो आयरन का मैं बोल रहा हूं तो आयरन का सल्फाइड इज FeS2, अगर मैं कॉपर का बोलूं तो कॉपर सल्फर का कॉम्बिनेशन बनेगा,
अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक एक करके। सबसे पहले अभी ट्रिक बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, एक एक करके पहले देख लो। FeS2 आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट का मतलब CuFeS2, इसी के आगे Cu लगा दिया। दूसरा चीज सिल्वर ग्लैंस Ag2S। अब सिल्वर ग्लैंस की बात हो रही है, सिल्वर का सल्फाइड हो रही तो बनाना है सिल्वर का सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड, जिंक ब्लेंड जिंक का सल्फाइड, गैलेना लेड का सल्फाइड, मरकरी का सल्फाइड। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक, अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक। जब भी सल्फाइड ओर की बात आए तो आपको बस एक ट्रिक दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में आ जाएगा। देखो आईसी का पाइराइट, ऊपर के दो का पाइराइट, आयरन पाइराइट कॉपर पाइराइट, आईसी का पाइराइट, एससी का ग्लैंस, सिल्वर और कॉपर का ग्लैंस, और बीजी बैकग्राउंड के अंदर, बीजी का मतलब बैकग्राउंड, दैट मींस जिंक ब्लेंड और गैलेना। अब कैसे याद रहेगा देखना, कोई ट्रिक व्रिक बताता नहीं है, मैं बता रहा हूं तो एकदम ध्यान से देखना, दिमाग से निकलेगा नहीं। आईसी का पाइराइट मतलब आयरन जो है और कॉपर जो है ये पाइराइट बनाएगा, तो आयरन और पाइराइट और किसको बोलते हैं, सल्फाइड वाले को, सल्फाइड वाले को भी पाइराइट बोलते हैं। दैट मींस आयरन का पाइराइट, पाइराइट का मतलब सल्फाइड, सो आयरन सल्फाइड FeS2। उसी तरह कॉपर का पाइराइट, पाइराइट का मतलब सल्फाइड हो, सो इसके आगे कॉपर लगा दो, कॉपर का पाइराइट। उसी तरह एससी, एससी एसटी कैटेगरी होता ना, उसी से सबसे पहले आईसी फिर एससी फिर बैकग्राउंड, आईसीएससी बैकग्राउंड, आईसीएससी बोर्ड होता है ना, आईसीएससी ही वो कुछ और, आपको कैसे रखना आईसीएससी बैकग्राउंड। ठीक है, जब भी आईसी का पाइराइट, एससी का ग्लैंस और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब जिंक ब्लेंड और गैलेना। अब देखो, अब आओ यहां पे, आयरन में FeS2 फिर CuFeS2, अब ग्लैंस क्या होता है, सो सिल्वर का ग्लैंस Ag2S, कॉपर का ग्लैंस Cu2S, देखो ना यार Ag2S Cu2S, अगेन बैकग्राउंड में जिंक ब्लेंड और HgS। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखे हैं, कहां पे ऑक्सीजन का O2 लिखा हुआ है, दिस इज सल्फाइड ओर, अभी ऑक्साइड में आ रहे हैं तो फिर बताएंगे उसको। अब आओ, सबसे पहले आपको दिमाग में कैसे रखना है देखना, जब भी आईसी का क्या है पाइराइट, एससी का क्या है ग्लैंस और फिर बैकग्राउंड। आईसी मतलब आयरन का पाइराइट, पाइराइट कौन सा और होता है सल्फाइड, दैट मींस FeS2, FeS2 के आगे Cu लगा दो CuFeS2। सिल्वर का ग्लैंस दैट मींस सिल्वर का सल्फाइड ओर, कॉपर का सल्फाइड ओर, बैकग्राउंड का मतलब जिंक ब्लेंड ZnS, गैलेना HgS। ठीक है, अब देखो ये बात समझ में आई कि नहीं, बस एक क्या करना है आपको, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस ICSE बैकग्राउंड, ICSE बोर्ड जो होता है उसमें कम लोग होते हैं, CBSE में ज्यादा एस्पायरेंट्स होते हैं, तो ICSE क्या है बैकग्राउंड में चला गया, मेन गेम कौन खेल रहा है CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड बैकग्राउंड में है, CBSE बोर्ड इज द मेन बोर्ड। अब ये हो गया, देख लो समझ में आया तो बोलो हाँ, समझ में आए तो बोलो हाँ, स्क्रीनशॉट जिसको जिसको लेना है ले लो। उज्जवल राज थैंक यू सो मच, अमन ठाकुर, अभिजीत सिंह, यार अगर बात समझ में आते जा रही है तो ठोको लाइक अभी की अभी, अभी अभी जल्दी करो जल्दी, बहुत अच्छा। अब देखो क्या होगा, आईसीएससी बोर्ड जो है वो बैकग्राउंड में चलेगा, दिस इज क्या सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर में क्या रखना है आईसीएससी बोर्ड इज बैकग्राउंड। ठीक, आईसी मतलब आयरन पाइराइट कॉपर पाइराइट, एससी मतलब आईसी का पाइराइट, एससी का ग्लैंस और बीजी मतलब ब्लेंड और गैलेना, जिंक ब्लेंड और गैलेना। ठीक है, चलिए आओ, सल्फाइड ओर के बाद एक चीज आपको मैंने बताया, दो दो मैंने पढ़ाया था, एक FeS2 एक CuFeS2। कई बार पता है क्या करता है एग्जामिनर आपको फंसा देगा, बोलेगा FeS2 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, FeS2 में आपको दिमाग में रखना है कि जो आयरन जो है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और जो S2 होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहां पे जैसे आपको याद है O2-2, दिस इज व्हाट परऑक्साइड, याद था ना, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, दो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, दैट इज परऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बना था, उसी तरह S2-2 एग्जिस्ट करता है यहां पे FeS2 में। ये क्या दिमाग में रखने वाली चीजें हैं,
और CuFeS2 में, CuFeS2 में कॉपर प्लस वन में होता है, आयरन प्लस थ्री में होता है और सल्फर माइनस टू में होता है। यहां पे एक सल्फर माइनस वन चार्ज में है और यहां पे एक सल्फर माइनस टू चार्ज में है। यहां पे आयरन प्लस टू में है, यहां पे आयरन प्लस थ्री में है। दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, यहां से क्या है क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन आपको छूटने नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बता रहा हूं आपको। लियोना स्टार एक बार बैक करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऑक्साइड ओर की बारी आई है, ऑक्साइड ओर की बारी आई है, देखना जल्दी से, जल्दी अभी जल्दी से देखना ऑक्साइड ओर की बारी क्या आई है। सबसे पहले मैं बता दूं, आयरन के ऑक्साइड्स ऐसे याद रखना है, हेमा, आयरन का ऑक्साइड इज हेमा मालिनी, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। हेमेटाइट मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe2O3। मैग्नेटाइट मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, Fe3O4। हेमा मालिनी इज द आयरन का ऑक्साइड, हेमा मालिनी, हेमाटाइट मैग्नेटाइट, दैट्स इट। हेमा मालिनी आयरन का ऑक्साइड, देखो कैसे, हेमा मालिनी सबसे पहले जो आएगा प्लस लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसके हर तीन से चार लेक्चर आएंगे, दैट्स इट। अब देखो यहां पे हेमेटाइट का कहानी खत्म हो गया, अब आओ क्यूपराइट और जिनसाइट, वहां पे क्या था, इट वॉज पाइराइट ओर, PYRITE, दिस इज सिंपल आइट ओर, हेमेटाइट मैग्नेटाइट क्यूपराइट जिनसाइट आइट आइट सो ऑन, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखा, अब इसको याद कैसे रखे सत्यजीत, देखना इसको याद ऐसे रखना है, क्यूपराइट इज Cu2O, जिनसाइट इज ZnO, पाइरोलुसाइट इज MnO2, बॉक्साइट इज Al2O3, कैसेटराइट इज SnO2, लिथार्ज इज PbO। देखो मैं बता रहा हूं आपको, सब लोग इसको रटवाते हैं लेकिन आपको रटना नहीं है, कैसे याद रखना है देखना। आयरन का ओर आपको हमेशा जिंदगी में नहीं भूलोगे, कैसे, हेमा मालिनी, ठीक। अब आओ कॉपर का क्यूपराइट, आइट लगाना है आपको, जिंक का जिनसाइट, ठीक। अब देखना पाइरोलुसाइट, पारो होता है, पारो, देवदास वाली पारो, पारो के मन में, दैट मींस पाइरोलुसाइट पारो के मन में मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाना है, MnO2, ठीक है। ये बस दिमाग में रखो, बाकी सब आप ऑप्शन से कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है। पारो के मन में, पारो मतलब पाइरोलुसाइट के मन में मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाना है। पारो के मन में एक एल्युमिनियम का बॉक्स आया, पारो ने अपने मन में सोचा कि एक एल्युमिनियम का बॉक्स, आपके घर में होता होगा एल्युमिनियम का बॉक्स, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है वो बॉक्स है, दैट मींस बॉक्साइट। पारो के मन में एल्युमिनियम का बॉक्स है, दैट मींस एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो बॉक्साइट है। देखो अब देखो कैसेटेराइट, ये जो एल्युमिनियम का बॉक्स है इसमें कैसेट है, कैसेट का मतलब जो टीन का कैसेट है, प्लेयर, वीडियो प्लेयर का कैसेट, टीन का कैसेट है, और उस कैसेट में बहुत ही एक लिथार्जिक मूवी पड़ी है, लिथार्ज, और लिथार्जिक मूवी लेड की लिथार्जिक मूवी पड़ी है, एल फॉर लेड, एल फॉर लिथार्जिक। पारो के मन में एल्युमिनियम का बॉक्स है, एल्युमिनियम का बॉक्स जिसके अंदर टीन का कैसेट पड़ा है। एक बार देखना यहां से देखना, इन चारों के लिए देखना। पारो के मन में एल्युमिनियम का बॉक्स पड़ा है जिसके अंदर टिन का कैसेट है, उस कैसेट के अंदर जो लेड की मूवी है ना वो लिथार्जिक मूवी है। लियोना स्टार देखना आप, हेमा से आयरन का काम तमाम हो जाएगा, हेमा मालिनी, दिस इज हेमा मालिनी, ठीक, HEMA, ठीक है, हेमा HE वाला प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आइए और क्यूपराइट जिनसाइट, दिस इज ऑन योर ओन। आइए पारो के मन में, दैट मींस पारो का ऑक्साइड कौन है, मैग्नीशियम, बॉक्साइट दैट मींस एल्युमिनियम का बॉक्स है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट और होता है, उसके बाद टिन का कैसेट है, टिन का कैसेटेराइट, ठीक है, और उस कैसेट में क्या है, एक बहुत ही लिथार्जिक मूवी पड़ी है लेड की बहुत ही लेथार्जिक मूवी पड़ी है। आइए अब मैं आपको बात बताऊं, ऑक्साइड ओर की बात खत्म हो गई, अब आइए कार्बोनेट ओर पे,
बहुत ही सिंपल ये भी है कार्बोनेट ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिस इज, और बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, दिस इज मैलाचाइट। मैलाचाइट का फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कामेंद्र सिंह आइए, मोनिका जंगिड, अरुण गुप्ता, मानवी गुप्ता, आफरीन, देखो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ये अगर आपस में मिल जाए विथ डॉट, डॉट का मतलब एडिशन, एडिशन मॉलिक्यूल, याद है जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था। खैर ये देखो, सी कॉपर, कॉपर का ही कार्बोनेट और कॉपर का ही हाइड्रोक्साइड अगर मिल जाए, दिस इज व्हाट मैलाचाइट। मैलाचाइट के बाद अगर इसी फॉर्मूला के आगे टू लगा दो तो इट विल फॉर्म एजुराइट। इसी फॉर्मूला के आगे टू लगा दिया, इट विल फॉर्म एजुराइट। भूपेंद्र सिंह, कृष्ण, नितेश, याशिर, आफरीन, देखना दिस विल मैलाचाइट एजुराइट। बहुत बार इसके फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं कि आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, क्योंकि मुझे इंश्योर करना है आपका चार नंबर इस चैप्टर से, मुझे इंश्योर करना है कि आपके चार नंबर कटे ना। ठीक है, चलिए, यस यस यस, 2019 के क्वेश्चन है प्रदीप, बहुत अच्छा, आई थिंक यू आर मिस्टर प्राची यादव, ओके फाइन। आइए, लाइम स्टोन सबको पता है, अभी पढ़ के आए हैं कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, ये सबको पता है। उसी तरह मैग्नेसाइट, दैट इज मैग्नीशियम का कार्बोनेट, लेकिन इन दोनों को जोड़ दो तो डोलोमाइट हो जाता है। अरे दो लोग आ गए, मैग्नेसाइट और लाइम स्टोन आ गए, मैग्नेसाइट और लाइम स्टोन दो लोग आ गए, डोलोमाइट, ठीक है कि नहीं। आइए आइए, उसके बाद साइडेराइट। भाई साहब मेरे पास अगर मान लो लोहे की छड़ी हो तो सब लोगों को साइड कर दूंगा कि नहीं, लोहे का कार्बोनेट आ गया, साइड हो गए सब लोग। यार लोहा का ऑक्साइड कैसे है, हेमा मालिनी, लोहा का कार्बोनेट आएगा तो साइड हो जाना पड़ेगा, मुझे बताइए याद हो रहा है कि नहीं। ओके ओके ओके, क्वेश्चन सीधा पूछता है कि भाई साहब मैलाचाइट का फॉर्मूला बताइए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चार कंपाउंड के फॉर्मूले दिए होंगे। आइए, सेरुसाइट इज PbCO3। अब मैं बताता हूं इसका, इसका भी ट्रिक बताता हूं क्या। हाँ देखो, सबसे पहले मैलाचाइट के लिए कॉपर का ही कार्बोनेट, कॉपर का ही हाइड्रोक्साइड, मेरे तरफ देखिए सब लोग, कॉपर का ही कार्बोनेट, कॉपर का ही हाइड्रोक्साइड मिला दिया, मैलाचाइट, माला बन गया, माला माला, विच इज ग्रीन कलर, माला 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 माला, समझते हो, गार्लैंड, ठीक है। आइए, अब उसी में अगर दो लगा दिए, कलर जरूरत नहीं है, दो लगा दिया तो वो क्या बन गया, एजुराइट। लेकिन CaCO3 और मैग्नेसाइट इन दोनों को मिला दिया तो डोलोमाइट, ठीक। उसके बाद आयरन आएगा कार्बोनेट के साथ तो साइड हो जाना पड़ेगा, मेरे पास आयरन की छड़ी हो तो मेरे पास बच्चे दूर भागेंगे ना, साइड हो जाएंगे मेरे से। उसी तरह लेड और कैलामाइन में आपको याद रखना है दैट इट इज, देखो दो तीन का ट्रिक तो नहीं बन पाएगा, अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, यस नितेश, विल इंक्रीज इट, एक बार आपके दिमाग में ये सब चीजें हो जाए ना फिर मेरे लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा आपके लिए। अब आओ, ये जो है ना रॉक साल्ट, आप लोग इन सब का फॉर्मूला आपको पता है। देखो क्रायोलाइट सबको पता है कहां से, दिस इज इन वेयर, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हॉर्न सिल्वर दैट इज AgCl, फ्लोरोस्पार CaF2, रॉक साल्ट NaCl, ये चार हैं, ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है, समझे, ये चार हैं आपको खुद से करने। देखो बातों ही बातों में आपने क्या कर लिया, अब मैं आपको बता दूं एक बार, दो मिनट दो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो बातों ही बातों में आपने क्या कर लिया, सल्फाइड ओर खत्म हो गया, सल्फाइड ओर के लिए मुझे बताइए ICSE बोर्ड जो है वो बैकग्राउंड में है कि नहीं, आईसी का पाइराइट, इन दोनों का पाइराइट, पहले दोनों का पाइराइट, दूसरे दोनों का ग्लैंस, और इसका बैकग्राउंड मतलब ब्लेंड और गैलेना, ब्लेंड मतलब जिंक ब्लेंड ZNS, और गैलेना मतलब HGS। ICSE बोर्ड जब बैकग्राउंड में जाएगा तो फिर ये कार्बोनेट ओर खत्म हो जाएगा। अब आइए ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर के लिए क्या होगा, मैंने बताया आयरन का ऑक्साइड ओर कैसे याद करना है, हेमा मालिनी से, ठीक, जो Fe2O3 है प्लस टू और Fe+3 में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन का खत्म हो गया। अब आइए उसी में पारो के, दैट मींस पाइरोलुसाइट, पारो के मन में, मैंने ये सब ट्रिक बता दी कि नहीं, पारो के मन में एल्युमिनियम का बॉक्स आया, एल्युमिनियम बॉक्साइट, ठीक, एल्युमिनियम के बॉक्स में क्या था, टिन का कैसेट था, दैट मींस SN का, टिन का जो ऑक्साइड है वो कैसेटराइट। अब आइए टिन का जो कैसेटराइट हो गया उसके बाद क्या करोगे, टिन के कैसेटराइट के बाद क्या मैं पानी पी लूं आप लोगों की इजाजत से,
टिन के कैसेटराइट हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच अजय। कार्बोनेट में वैसे ही बता दिया, फिर हैलाइड बता दिया, चलो। सो ये ट्रिक एक बार देख लेना, फिर हम आगे बढ़े। आप लोग एक बार जल्दी से इस ट्रिक को अपने दिमाग में लेके आइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहां पे ये आपका होमवर्क है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। लेड माइथोलॉजी, बहुत अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से चालू हो रहा है एक क्वेश्चन जो बनता है, ये फॉर्मूला पे बन जाता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। देखो गाइस, लेट्स स्टार्ट। देखो और जो होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, मेटलर्जी धरती से जेसीबी से खुदाई करते हैं और वहां से ओर निकालते हैं और ओर से मेटल निकालते हैं। सबसे पहले खुदाई करेंगे, खुदाई में ओर निकलेगा, ओर से मेटल निकालना, ठीक है। अब हमारे पास इंडस्ट्री में जो जो मजदूर लोग हैं वो क्या करते हैं, जेसीबी से खुदाई करके ओर आपको पकड़ा देंगे। अब आपका काम है इसमें से मेटल निकाल के मार्केट में बेचना। दिस इज हाउ मेटलर्जी गोज ऑन। देखो सबसे पहले ओर क्या होता है भाई साहब, ओर एक ऐसा मिनरल है जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है, ठीक। अब ओर धरती से निकला है, दैट मींस इसमें मेटल तो होगा ही, जो प्योर पार्टिकल है, जो हमारे काम का है, प्योर ओर ये हमारे काम का है, इसी में से मेटल निकलेगा। लेकिन धरती से निकाले हैं तो धूल मिट्टी होगा कि नहीं, पहले मुझे कंफर्म करिए, धूल मिट्टी होगा क्योंकि धरती के नीचे से निकाले हैं। अब देखना, जब धरती के नीचे से निकाले हैं तो इसके साथ इंप्योर पार्टिकल भी होगा, और SiO2 को इसी को मिट्टी बोलते हैं, मिट्टी सॉयल, ठीक है, सैंड मिट्टी जिसको बोलते हैं आप। मोल कॉन्सेप्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखो तो पहले कि ओर में दो तरह के पार्टिकल होते हैं कि नहीं, क्योंकि जमीन के अंदर से निकला है तो उसमें एक होगा प्योर पार्टिकल, एक होगा इंप्योर पार्टिकल। हमारा काम इस प्योर और इंप्योर को अलग अलग करना होता है, फिर इस प्योर में से मेटल को निकालना होता है, यही हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। यस, इट इज कॉल्ड गैंग पार्टिकल, इट इज कॉल्ड गैंग पार्टिकल। निगेटिव चीजें, इंप्योरिटी चीजें होती हैं। अब आइए देखो, आपको मैं दिखाता हूं, ऐसा कुछ होता है आयरन का ओर और ऐसा कुछ होता है किसका, एल्यूमिनियम का ओर। तो जो आप देखो एल्यूमिनियम का वायर होता है, क्या ऐसा दिखता है आपको, ये इसमें दोनों है, प्योर और इंप्योर दोनों है, इसमें प्योर और इंप्योर दोनों है, ऐसा आयरन थोड़ी ना दिखता है, ऐसा एल्यूमिनियम थोड़ी ना दिखता है। लेकिन आपको क्या करना है, इनमें से प्योर को अलग, इंप्योर को अलग। इंप्योर तो गया तेल लेने, उसको फेंक देते, अपन प्योर उठा लेते हैं और प्योर में से मेटल निकाल के बाजार में बेच देते हैं। ये रहा प्योर और इंप्योर, इसमें से प्योर अलग, इंप्योर अलग। जैसे ही प्योर आया उसको पकड़ो, इंप्योर वाले को तो फेंक दो, मिट्टी है, क्या करोगे मिट्टी का, ठीक है। आओ, बात समझ में आ गई, आओ देखो आगे। अब किसी भी ओर को उसमें से मेटल निकालने के लिए चार प्रोसेस होते हैं। किसी भी, आज के बाद जितने भी 3 से 4 लेक्चर होंगे हमारे इन्हीं 4 प्रोसेस पे पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं, कंसेंट्रेशन के बाद कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन के बाद रिडक्शन, रिडक्शन के बाद रिफाइनिंग। एक एक करके सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं, 4 नंबर इंश्योर हो जाएगा। क्विज को टॉपर को कुछ ना कुछ मिलेगा, बट कुछ ना कुछ मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। यही 4 प्रोसेस हैं जिससे हम हर ओर को प्यूरीफाई करते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ओर के अंदर 2 चीज होता है, एक होता है प्योर ओर और एक होता है इंप्योर पार्टिकल, इंप्योर पार्टिकल। ये बात समझ में आई, इंप्योर पार्टिकल, गैंग पार्टिकल, ठीक है, अर्थ, धूल मिट्टी, ठीक है। अब क्या होता है देखो, आपको बताता हूं, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना। देखो एक एग्जांपल, एक छोटी सी आपको रिलैक्स करता हूं, थोड़ा सा कहानी सुनाता हूं। आप लोग देखे हो खेतों में मूली कैसे होती है, ये चारों आपको दिमाग में ऐसे ही रखना है, ये 4 प्रोसेस ही होते हैं। देखना, सबसे पहले आपको सैलेड, आप तो यही खाते हो सीधा सीधा, ठीक है, लेकिन ये आपको मिलने से पहले किस किस प्रोसेस से मूली गुजरता है, ये अगर आप समझ गए तो आपको हर एक चीज रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। देखो सबसे पहले मूली होती है जमीन के नीचे, ये भी जमीन के नीचे है, हम क्या किए, जमीन से उखाड़ लिए। सबसे पहला प्रोसेस जेसीबी की खुदाई करी और मूली निकाल ली, मूली निकाल लिया। और अब देखो इसके अंदर, इसमें प्योर मूली भी है और इंप्योर पार्टिकल भी है। प्योर मूली जो सैलेड में काम आएगा,
लेकिन इम्प्योर है। देखो ना यार, इसमें मिट्टी भी तो लगाए क्योंकि जमीन से नीचे से निकाले हैं, इसके अंदर गैंग पार्टिकल भी है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब गैंग पार्टिकल को रिमूव करना इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन। सबसे पहले मिट्टी को धो, किसी तरह धो धुला के इसको प्योर और इम्प्योर पार्टिकल को अलग अलग करना, सबसे पहला प्रोसेस, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। अब देखो, अब जब ये कट, देखो ये ऐसा कुछ होगा, पानी से सारी मिट्टी धूल मिट्टी अलग हो गई, अब ऐसा बना है, कंसंट्रेशन करके प्योर और इम्प्योर अलग अलग हो गए। ठीक, अब प्योर हमारे पास हो गया, मिट्टी को तो हमने फेंक दिया, प्योर हमारे पास आ गया। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे रेशे लगे हुए हैं, इसमें फिर भी बहुत सारी इंप्योरिटी है, इसमें फिर भी देखो यहां पर रेशे लगे हुए हैं, तो आपके सैलेड में रेशे थोड़ी मिलते हैं। तो दूसरा प्रोसेस क्या करोगे, इन रेशों को पहले काटोगे, फिर मूली जहां से स्टार्ट होता है पहले पत्तों को अलग करोगे, पत्तों को अलग करोगे, फिर जितने रेशे हैं रेशों को काटोगे, तो दिस इज सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस, जितना भी कवर है भाई साहब, पूरा मूली को ऐसी थोड़ी ना काट के खा जाते हो, मूली को पहले डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस में काटते हो, मतलब पहले ऊपर का कवर हटाओगे, जैसे केला की केले का छिलका छील देते हैं उसके बाद खाते हैं, उसी तरह पहले इसका कवर हटेगा फिर सैलेड में इस्तेमाल होगा, तो कवर हटेगा फिर सैलेड में इस्तेमाल होगा। यही है पूरा प्रोसेस मेटलर्जी का। मेटल भी धरती के नीचे होता है, उसमें भी धूल मिट्टी लगा होता है, उसकी भी रिडक्शन करने की जरूरत पड़ेगी और उसका भी रिफाइनिंग करने का जरूरत पड़ेगा। मैं सब चीज इसी मूली एग्जांपल से आपको पूरा समझा दूंगा, रटना मना है कि नहीं है पहले बता दीजिए मुझे। सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। अब एक कहानी आपको समझ में आ गई, तो हम चलते हैं कंसंट्रेशन का उद्घाटन कर देते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन? सबसे पहले मैं बता दूं, एक मिनट, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जो मूली जो है ना, जब जमीन से उखाड़ोगे तो उसमें धूल मिट्टी होगा, सो धूल मिट्टी अलग करना और प्योर मूली अलग करना इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। देखो इस लाइन को मेरे साथ पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब सेपरेशन ऑफ प्योर ओर एंड अर्थली इंप्यूरिटी, प्योर और इंप्योर को अलग अलग करना इज कंसंट्रेशन। ये बात अगर समझ में आ गई हो, मूली वाली बात समझ में आई हो, देखो मैं पीछे चलता हूं आपको फिर से समझाता हूं। देखो ये कहां गया, ये देखो यहां क्या है, इस मूली में अभी भी इंप्यूरिटी है, धूल मिट्टी लगा है, गैंग पार्टिकल है। अब जो है गैंग पार्टिकल अलग हो गया, धो धागे किसी तरह इसको इंप्यूरिटी से अलग कर दिया, दिस इज व्हाट, इसी धो धा के मिट्टी को अलग करके ऐसा बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब प्योर इंप्योर अलग अलग। अब प्योर मिल गए तो प्योर पे आगे का काम चलेगा, ये जो इंप्योर है उसको फेंक डालो, मिट्टी का क्या करोगे भाई साहब? चलो अमन ठाकुर, समीर खान, भूपेन सिंह, बात समझ में आती है तो बोलिए हां। कभी भी रटना नहीं है, देखना, कंसंट्रेशन का मतलब होता है प्योर और इंप्योर को अलग अलग करना। यासिर से भूपेन सिंह राणा मुझे बताइए ये बात, कंसंट्रेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ प्योर पार्टिकल विथ अर्थली इंप्यूरिटीज। अर्थली इंप्यूरिटीज का मतलब धूल मिट्टी, अर्थ मतलब सॉयल, सॉयल मतलब मिट्टी। जब ओर हमारा अर्थ में होता है ना, धरती के नीचे, उसके अंदर ओर का मतलब प्योर, प्योर ओर प्लस धूल मिट्टी भी होता है। अब कंसंट्रेशन जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास प्योर ओर पार्टिकल्स निकलेंगे प्लस अलग से इंप्योर निकल जाएंगे जिसको हम फेंक देंगे। ये बात समझ में आई तो बोलिए हां और चलिए आगे बढ़ते। आइए, अब कंसंट्रेशन करने के आपके सिलेबस में ओनली 4 मेथड, खुशी की बात है केवल 4 मेथड हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, ये सिलिका जो जिन्होंने बोला बहुत सही बोला प्रवीण, और लीचिंग, दो तरह से हम कंसंट्रेशन करते हैं, वन इज फिजिकल मेथड, वन इज केमिकल मेथड। फिजिकल का मेथड मतलब हम खुद अपनी हाथों से मशीन के मदद से कर लेते हैं, केमिकल के मेथड का मतलब कुछ इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आती जा रही है तो बोलते जाइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। कंसंट्रेशन का मतलब यासिर से एक बोल रहे ब्रेकअप, दैट ट्रूली मीन्स भाई साहब प्योर अलग इंप्योर अलग, प्योर और इंप्योर का ब्रेकअप कर दिया, दैट इज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन करने के 2 मेथड, पहला फिजिकल मेथड, खुद हाथों से किया या फिर कोई मशीन का इस्तेमाल करके कर दिया, प्योर और इंप्योर अलग हो गए मशीन की मदद से या खुद फिजिकली।
और कोई केमिकल रिएक्शन से अगर प्योर इंप्योर अलग हो रहा है तो उसको केमिकल मेथड कहते हैं। इन योर सिलेबस यू हैव ओनली वन केमिकल दैट इज लीचिंग और तीन फिजिकल, एक एक करके इनको खत्म करेंगे। देखो सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन का दूसरा नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्यों है अभी हम बताते हैं। देखना सबसे पहले क्या होता है, इस फिगर को इधर रखो। सबसे पहले क्या होता है, एक हम इंक्लाइंड सरफेस लेते हैं, एक इंक्लाइंड सरफेस लेते हैं, इसके अंदर एक ऐसा स्टॉप बना देते हैं, दो तीन स्टॉपर लगा देते हैं, जैसे गेट के अंदर स्टॉपर होता है ना कि आंधी में आंधी तूफान आए तेज हवा चले तो वो धाक से बंद ना हो, स्टॉपर लगा दिया यहां पे, ठीक है। और यहां पे क्या किया, एक ऐसा सरफेस बना दिया, एक ऐसा इंक्लाइंड सरफेस लिया और यहां पे क्या एक बॉटल ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास ओर है जो धरती से डायरेक्ट निकला है, अब इसमें प्योर भी है इंप्योर भी है। अब क्या करेंगे, उसको पहले पाउडर बनाएंगे, पूरी हथौड़ी वगैरह जो भी करना है उसको क्रश कर देंगे। जैसा मान लीजिए आपके यहां मसाला बनता है ना, किस में, मिक्सी के अंदर, तो मिक्सी के अंदर डाल के उसको पूरा पाउडर पाउडर कर दिया, यहां डालने के बाद पूरा पाउडर पाउडर कर दिया, पाउडर्ड ओर। देखो कंसंट्रेशन हमेशा पाउडर्ड ओर का होता है, बातों ही बातों में एक स्टेटमेंट निकल आई जो आपके एग्जाम में फंसाएगा। कंसंट्रेशन हमेशा पाउडर्ड ओर में लगाओगे, ठीक। अब पाउडर ओर मिक्सी में रख के पाउडर कर दिया, ठीक, ओके। आइए अब पाउडर्ड ओर कर दिया, अब कैसे लगाता है, कैसे होगा। अब पाउडर्ड ओर ये क्या है, ओर तो धरती के नीचे से निकला है, दैट मींस इस पाउडर्ड ओर में प्योर पार्टिकल भी है और इम्प्योर भी है, ये बात क्लियर है। अब होगा क्या देखना, यहां पे आपको याद है आप जब कार वार या बाइक सफाई कराने जाते हो या साइकिल वाइकल की धुलाई करते हो तो वो प्रेशर से पानी मारते हैं ना उसके ऊपर, बाइक के ऊपर या फिर कार के ऊपर प्रेशर से पानी मारते हैं, एक नोजल होती है, नोजल से पानी आती है। अब उसी प्रेशर से यहां पे हम पानी अंदर से वाटर फोर्सफुली मारेंगे इसके अंदर। अब होता क्या है, इंप्यूरिटी जो होती है वो ऊपर छन जाती है। देखो इंप्यूरिटी लेस डेंसर होती है एज कंपेयर टू प्योर, इंप्योर पार्टिकल होती है ना उसकी डेंसिटी लेस डेंसर होती है, और ये क्या होता है हाई डेंसिटी वाली होती है, हाई डेंस। अब जो आपको पता है आइस क्यों तैरता है, फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है, दैट मींस जिसकी डेंसिटी कम वो फ्लोट करेगा। अब इंप्योर की डेंसिटी कम, इंप्योर पार्टिकल ऊपर आ गए, पानी लबालब भरा हुआ है, इंप्योर पार्टिकल यहां आ गए, एक टाइम अब हम पानी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे, डाले जा रहे, इंप्योर पार्टिकल सारे ऊपर आ गए, अब इंप्योर पार्टिकल फ्लो कर जाएंगे। यार पानी भरेगा तो पानी गिरेगा और पानी के साथ साथ जो ऊपर है वो गिरते चला जाएगा, फील करते हैं इस बात को। अब पानी गिरते गया, अब यहां पे आके इंप्योर पार्टिकल जम गए, यहां भी आके इंप्योर पार्टिकल जम गए, यहां भी आके इंप्योर पार्टिकल जम गए, एट द एंड सारे सारे फ्लोट कर जाएंगे इंप्योर पार्टिकल और सारे गिर जाएंगे, और सारे गिर के ये जो बेड्स हैं इन बेड्स में फंस जाएंगे, यहां पे बेड्स में आके फंस गए। आप देखना भाई साहब, जैसे ही बेड्स में आके फंस गए, अब बेड्स में आके फंस गए, लास्ट में एक हम यहां पे भी बॉटल लगा देते हैं, बीकर लगा दिया, हमें क्या खर्च लग रहा है, 10 रुपए की बॉटल आती। अब क्या करोगे, ये पाउडर्ड ओर जितने भी नीचे हैं, यहां पे जो नीचे हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है, जो ऊपर आ गए हैं इंप्योर उनकी डेंसिटी कम है। एक टाइम के बाद इतना पानी गया कि ये वाला भी तैर के बाहर आएगा और मूव करते 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 नीचे आ जाएगा। आप कहोगे सर इंप्योरिटी नीचे नहीं आएगी क्या, बहुत कम इंप्योरिटी आएगी, मैक्सिमम इंप्योरिटी इस बेड्स में फंस जाएगी यहां पे। मैं ये पूरा नहीं कह रहा कि पूरा पूरा प्योर हो गया, लेकिन मैक्सिमम प्योर हो गया। तालियां बजती रहनी चाहिए, डेल इंसान तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं आपको एक्चुअल फिगर दिखा रहा हूं, देखो क्या होता है। यह होती है बीकर जिसमें रखते हैं पाउडर्ड ओर। अब पाउडर्ड ओर के अंदर प्योर भी है इंप्योर भी है। अब जब हम इसमें वाटर एट हाई प्रेशर गिराएंगे, जैसे एक कार की सफाई होती है तो हाई प्रेशर से पानी मारा जाता है, सिमिलरली हाई प्रेशर से जब पानी मारोगे, ये पूरी मशीन की है, पूरी इंडस्ट्री का बता रहा हूं आपको, उसी वाटर हाई प्रेशर से जब मारोगे तो देखो पाउडर डोर में प्योर भी है इंप्योर भी है। प्योर वाला हैवी होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, प्योर नीचे चिपका रहेगा, लेकिन इंप्योर ऊपर आ गया होगा, इंप्योर पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। देखो अब आपको यहां पर दिखा देता हूं,
इंप्योर पार्टिकल ऊपर आ गए यहां पे। अब जब ये भरेगा, पानी आते जा रहा है और ये भरते भरते ऊपर जाएगा और ओवरफ्लो होगा तो जितने भी ब्लैक है ना ये दिखाए हुए, दीज आर कॉल्ड इंप्योरिटीज। ये इंप्योर पार्टिकल पहले बह के यहां फंस गए, बाद में सारे प्योर पार्टिकल्स होते हुए यहां आ गए, सारे प्योर ओर यहां पे मिल गए। सो प्योर और इंप्योर अलग हो गया कि नहीं? और ये सिंस एक मशीन की वजह से हुआ है, इनक्लाइंड प्लेन की वजह से हुआ है, यहां पे वाटर के लिए मशीन यूज करी, दैट मींस हाई नोजल पाइप यूज करा, हाई प्रेशर वाला, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, देखो आप। सो केमिकल मेथड नहीं है, इट इज फिजिकल मेथड। ठीक है सर जी, प्योर मेटल नहीं फंसेगा? नहीं, देखो ना, प्योर मेटल कैसे फंसेगा, ये तो सेपरी बना देगा ना, यहां पे सारी इंप्योरिटी आ गए, तो प्योर मेटल आएगा इस पे बह के वापस, फिर इस पे बह के वापस बाहर वापस। ठीक, प्योर मेटल नहीं फंसेगा क्योंकि पहले से वहां पे इंप्योर मेटल आके फंस चुके हैं। सो प्योर मेटल आएगा तो इंप्योर के ऊपर से बह जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं एवरीबॉडी? चलिए, सो ये रहा। और इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग क्यों कहते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग, जब आप कार सफाई करने जाओगे ना तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। दैट मींस वॉशिंग हाइड्रोलिक होगा, दैट मींस वो पाइप जो होती है उसको शायद हाइड्रोलिक बोलते हैं, जिससे हाई प्रेशर निकलता है। देखो ना, हाई प्रेशर पाइप से पानी मारना हाइड्रोलिक वॉशिंग, और इसी हाइड्रोलिक वॉशिंग को ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं। दैट्स मीन इसको ग्रेविटी सेपरेशन इसलिए किया क्योंकि हाई वाला जो भारी चीजें हैं वो नीचे उतर गई। आपको तो दिमाग में रखना है ऐसे ही, ठीक है? चलिए, सो ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, बात समझ में आ रही हो तो बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। मेटल का मास ज्यादा है, यस, मेटल का मास ज्यादा है तो प्योर मेटल जो है, तभी तो मास ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे है। आइए दूसरा चीज, यही चीज हिंदी में मैंने लिख दिया है ताकि जब आप रिविजन करें। देखो, सबसे पहले एक इंक्लाइंड सर्फेस होता है, इंक्लाइंड सर्फेस में बेड्स लगे होते हैं जिसमें इंप्योर पार्टिकल फंसेगा। अब आओ यहां पे, एक बीकर में पाउडर डोर लेते हैं, पाउडर डोर के अंदर प्योर भी होगा इंप्योर भी होगा, क्यों? धरती के नीचे से निकालें भाई साहब ओर को। आओ, जब धरती के नीचे से निकालें तो इंप्योर पार्टिकल्स डेंस कम होगा, लेस डेंसर होगा। और आपको पता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है भाई साहब वो तैरेगा, वो फ्लोट करेगा, तो लेस डेंसर जो है इंप्योरिटी वो तैरने लगेगा और ओवरफ्लो होने की वजह से वो पहले गिर जाएगा, पहले गिरेगा तो बेड्स में फंस जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे यहां हार्ट दिखने चाहिए लोगों को, वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। अगर हाई प्रेशर से मारोगे तो दिस दैट ये काम है आपका, पढ़ लेना एक बार, ठीक है? चलिए, अब ये चीज आई बाबा का बूस्टर। ये क्या है सर, व्हाट इज दिस? जब भी रिवीजन करेंगे तो ये बाबा का बूस्टर अगर आप ले लो, रिवीजन आपका पक्का हो गया। क्यों? देखो, एक लाइन में इसका आंसर खत्म होगा। देखो, दिस मेथड जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है वो इस्तेमाल होती है, इज एप्लीकेबल फॉर दोज ओर्स डिफरेंस इन डेंसिटी। प्योर एंड इम्प्योर के बीच में डेंसिटी का ही तो डिफरेंस था यार, लेस डेंसर ऊपर आ गए, हाई डेंसर नीचे बैठ गए, ऊपर नीचे में डिफरेंस किसने क्रिएट किया? डेंसिटी ने। सो जब भी डेंसिटी का डिफरेंस हो प्योर और इम्प्योर के बीच में, आप क्या लगाओगे? दिस मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन। कभी भी एग्जामिनर में दिया हो डेंसिटी का डिफरेंस है प्योरिटी और इंप्योरिटी के बीच में, कौन सा मेथड लगाओगे कंसंट्रेशन का? दैट मींस ग्रेविटी सेपरेशन। और डेंसिटी का डिफरेंस आपके दिमाग में आ जाएगा, हाई डेंसिटी नीचे, लेस डेंसिटी ऊपर, लेस डेंसिटी आके बेड में फंसेगा, अपना काम हो जाएगा। ये रहा डायग्राम। एंड एग्जाम्पल के लिए हेमेटाइट ओर, आयरन का जो ओर है, हेमेटाइट ओर आपको इसका एग्जाम्पल है। हेमेटाइट ओर में क्या होता है, जो इसमें इंप्योरिटी होती है ना वो प्योर पार्टिकल से लेस डेंसर होता है। सो जैसे ही इसमें लेस डेंसिटी की बात आई, सो देयर इज ओनली वन मेथड डेंसिटी पे जो काम करता है, विच इज ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक कि नहीं ठीक? नितेश चौहान आते हैं उस बात पे, आपके बात पे भी आते हैं। सो देखिए, अब दूसरा मेथड मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मैंने क्या पढ़ाया, मैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। बहुत ही शानदार है, देखना इसको कैसे होता क्या है। आप कभी आटा, जहां गेहूं से आटा बनाया जाता है, पीसा जाता है, आटा चक्की बोलते हैं उसको, कभी गए हो क्या? उस आटा चक्की में आप देखते होंगे एक ऐसे बेल्ट घूमते रहता है, फिर आटा उसमें गेहूं डाला जाता है, फिर वो पिसाई होती है, एंड सो ऑन। सो अगर आप शहर में रहते हो तो इस बात को तो नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आप मीडियम सिटी में रहते हो तो आप इसको देखे होंगे।
आप मुझे बताओ, आटा चक्की की तरह जो बेल्ट होती है ना, सबसे पहले मैं बता दूं, एक मिनट, यस, जो बेल्ट होती है उसी तरह की बेल्ट होती है, दो व्हील्स लगे होते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हील्स, दो चक्के लगे होते हैं, व्हील्स के अराउंड एक बेल्ट रोटेट कर रही होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। एक जो व्हील होता है दैट इज मैग्नेटिक व्हील, और जो दूसरा व्हील लेते हैं दैट इज नॉन मैग्नेटिक व्हील। देयर आर टू व्हील्स, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, ठीक। अब होगा क्या मैग्नेटिक सेपरेशन में, ऐसा ओर का मतलब प्योर भी है इम्प्योर भी है, हमें क्या करना है, प्योर को अलग इम्प्योर को अलग, यही हमारा एम है। अब देखना, ऐसा ओर जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर का डिफरेंस है, जिसमें हमारे पास प्योर पार्टिकल भी है और इम्प्योर पार्टिकल भी है, अगर मान लो डेंसिटी का डिफरेंस आए तो कौन सा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे भाई साहब, डेंसिटी का डिफरेंस आया तो पिछला मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन, दोनों नाम एक ही है। अगर मान लीजिए प्योर और इम्प्योर के बीच में मैग्नेटिक बिहेवियर का डिफरेंस है तो क्या करोगे, अगर प्योर और इम्प्योर के बीच में मैग्नेटिक बिहेवियर का डिफरेंस है, दैट मींस एक क्या है जो चुंबक से चिपक जाए, एक मैग्नेटिक हो और दूसरा चुंबक से ना चिपके दैट इज नॉन मैग्नेटिक हो, क्या करोगे, एक तो मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक वाले व्हील से चिपक जाएगा, इस मैग्नेटिक वाले व्हील से चिपक के इस साइड आ जाएगा, लेकिन अगर वो चुंबक से नहीं चिपकेगा तो वो दूर भाग जाएगा, मैग्नेटिक इधर आ जाएगा, नॉन मैग्नेटिक दूर चला जाएगा। अगर मान लीजिए ओर में दो चीज है, प्योर और इम्प्योर, प्योर पार्टिकल अगर मैग्नेट से चुंबक से चिपक जाए दैट मींस मैग्नेटिक पार्टिकल इधर, और चुंबक से जो ना चिपके उधर, अगर डिफरेंस किस चीज का हो, मैग्नेटिक बिहेवियर का, तो क्या इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। यार बात समझ में आ रही है तो बोलते चलिए। हां देखो, अब ये मैं आपको बता दूं, यहां पे डालते हैं पाउडर्ड ओर, पाउडर्ड ओर के अंदर दोनों होगा, फिर से मैं बता रहा हूं पाउडर्ड ओर है, कंसंट्रेशन के अंदर पाउडर्ड ओर यूज होता है। अब इस पाउडर्ड ओर में दोनों इस्तेमाल होगा, दैट मींस प्योर भी और इम्प्योर भी। अगर प्योर और इम्प्योर के बीच में डिफरेंस किस चीज का है, मैग्नेटिक बिहेवियर का। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर का डिफरेंस है तो आओ, एक चुंबक से चिपकेगा दूसरा चुंबक से नहीं चिपकेगा, कोई भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए कोई भी प्योर, अगर आपको तो अलग अलग करना है ना, कोई भी, तो अब आओ यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां तक क्या है, इसके अंदर प्योर भी है और इम्प्योर भी है। अब जैसे ही मैग्नेट के पास आया तो जो भी पार्टिकल चिपकेगा चुंबक से दैट मींस मैग्नेटिक होगा, वो मैग्नेट के साथ साथ नीचे आ जाएगा, लेकिन जो नहीं होगा, देखो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप लोग पढ़ते हो, ये तो घूमे जा रहा है, सर्कुलर मोशन हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे चला गया। आई बात समझ में, भूपेन सिंघराना, सुचेता कृष्णन, चलो तो इसको हम खत्म करते हैं अभी। सो अगर क्वेश्चन में बूस्टर लेते जाइए, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि डिफरेंस इन मैग्नेटिक बिहेवियर है तो मैग्नेटिक सेपरेशन कितना आसान है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो डिफरेंस इन डेंसिटी, हाइड्रोलिक वॉशिंग कितना आसान है। देखो इसका आंसर, ये देखो, यूज्ड फॉर SNO2, टिन स्टोन के लिए यूज होता है। पहला वाला का एग्जांपल हेमेटाइट, दूसरे वाले का एग्जांपल कैसेटेराइट, याद है, टिन का कैसेट है, याद आया। सो टिन स्टोन, टिन स्टोन में, ये ज्ञान की बात है, एक बार जरूर दिमाग में रखिएगा, टिन स्टोन के अंदर जो इंप्योर पार्टिकल होते हैं ना, इनको बोलते हैं वुल्फ्रामाइट, इसका फॉर्मूला ये होता है वुल्फ्रामाइट, और वुल्फ्रामाइट मैग्नेटिक होते हैं। सो वुल्फ जो इंप्योरिटी है ना, वो मैग्नेट के साथ इधर चलाएगा, और जो प्योर पार्टिकल है वो उधर चला जाएगा, तो प्योर और इंप्योर अलग अलग। हमारा काम कंसेंट्रेशन का क्या है, प्योर और इंप्योर का ब्रेकअप कराना, अलग अलग करना, दैट्स इट, यू आर डन। दोनों में से कोई या तो प्योर मैग्नेटिक हो जाए या तो इंप्योर मैग्नेटिक हो जाए, अलग दोनों ही केस में होगा। मोहम्मद तारिक, आतिया फैजी, चार्मी मोदी, चैन सिंह, आतिया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। सो क्या ये बात समझ में आई। अब ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन है ये हम कल पढ़ेंगे, बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग, आई एम सेइंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग, थैंक यू सो मच कृतज्ञ। सब कुछ मैं कोशिश करता हूं आपको इसी लेक्चर में दिमाग में रहे। सो कृपया करके जो लोग ने दोस्ती नहीं की है अभी के भी दोस्ती करिए, दोस्त आर वॉचिंग दिस प्रेस द लाइक बटन अभी, एंड After just ending this session, you have to share this. Again, I am saying, you have to share this. कहां पे
सोशल मीडिया पे। टैग करना ना भूलें, सतर्क रहें, सावधान रहें, आसपास का ख्याल रखें, वीटी सर का लेक्चर देखते रहें, कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, सलाम, बाय बाय, नमस्कार।